नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म पर ज्योतिष ग्रह नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हम कभी भी कोई विशेष ग्रह स्थिति होती है उस पर बात करते हैं। हमारे एक मासिक कार्यक्रम होता है, एक वार्षिक कार्यक्रम भी होता है। वार्षिक कार्यक्रम में हम जो है मेष से लेकर मीन हर लग्न की जो है वार्षिक भविष्यफल एवं आर्थिक भविष्यफल दोनों करते हैं। आज मैं वार्षिक भविष्यफल जो है धनु लग्न का 2023 के लिए ये करने जा रहा हूँ। आपका धनु लग्न है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। ऊपर के खाने में स्क्रीन पे, बीच के खाने में जो है धनु अथवा सेजिटेरियस या 9 नंबर लिखा है तो समझिए आपकी बात हो रही है, अथवा नाम का अक्षर इनमें से कोई एक हो तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? ये यो भा भी भू धा भा ढा भे। अब धनु लग्न के स्वामी बृहस्पति हैं। इस वर्ष में जो दीर्घकालीन समय तक जो ग्रह राशि में एक में रहते हैं उन तीनों का ही इस वर्ष में परिवर्तन हो रहा है, राहु, गुरु एवं शनि का। तो शनि धन लग्न के धनेश हैं, पहली जनवरी से लेके और 17 जनवरी तक मकर में रहेंगे, उसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। पूरे वर्ष कुंभ राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है, प्रबल रहेंगे। 17 जनवरी से 31 दिसंबर तक कुंभ में रहेंगे। गुरु पहली जनवरी से 21 अप्रैल तक मीन राशि में रहेंगे, उसके उपरांत 21 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक मेष में रहेंगे। परंतु जैसे ही 21 अप्रैल को मेष में प्रवेश करेंगे वहाँ पे पहले से राहु होंगे और 30 अक्टूबर तक ये राहु में रहेंगे और गुरु चंडाल योग का निर्माण करेंगे। इस गुरु चंडाल योग पर शनि की दृष्टि भी रहेगी। इस प्रकार का गुरु चंडाल जो भीषण गुरु चंडाल योग है पिछले 200-300 वर्ष में नहीं आया है, इसलिए अत्यधिक प्रभावी है ये। किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब हो सकता है, अत्यधिक प्रभावी ये है। और राहु पहली जनवरी से 30 अक्टूबर तक मेष में, उस पहली जनवरी से 20 अप्रैल तक थोड़ा सा तनाव रह सकता है, विशेष करके जब गुरु अस्थ होंगे, अथवा 17 जनवरी तक गुरु पर जब शनि की दृष्टि रहेगी थोड़ा तनाव, परंतु साधारणतया रूप से ठीक रहेगा। 30 जनवरी से 6 मार्च तक थोड़ा सा जो है आपका आइज में या बोन्स में इस समय शनि अस्त है और मामूली ऊर्जा में कमी, मामूली तनाव ये रहेगा। 31 मार्च से 20 अप्रैल में थोड़ा सा बुखार रह सकता है, फेफड़ों की समस्या रह सकती है, क्रोध रह सकता है, कफ रह सकता है। और ये जो दोनों मैंने समय बोले, ये यदि 50 वर्ष से ज़्यादा की आयु है तो आपको थोड़ा तनाव ज़्यादा रह सकता है। 31 मार्च से 30 अप्रैल का जो पीरियड है, यदि आपकी एज थोड़ी सी ज़्यादा है, ओल्ड एज में यदि आप हैं, तो वैसे तो ये जो समय है 30 जनवरी से और 6 मार्च का है और 31 मार्च से 30 अप्रैल जो मैंने बताए हैं, इन दोनों में मिला के मिला जुला प्रभाव है, हार्ट पे असर इत्यादि हो सकता है यदि आयु 50 के ऊपर है। अन्यथा जो है ये लाइफ स्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है। खान पीन ठीक रखेंगे, अपना नियम से अनुशासन रख के आप ये व्यायाम इत्यादि करेंगे तो समस्या को आप आराम से निपटा सकते हैं। 31 मार्च से 30 अप्रैल हार्ट पे विशेष मैंने बोला है, 50 वर्ष से ज़्यादा आयु में और होगा। 24 सितंबर से 31 दिसंबर में मंगलस होगा, तो जो एज जिनकी ज़्यादा है उन जातकों को तनाव हो सकता है, तनाव से भी हार्ट पे प्रेशर आता है और एज ज़्यादा है तो इस समय तक कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होता है, जॉइंट्स पे पेन हो सकती है और गुस्सा आ सकता है। 24 सितंबर से लेके 30 दिसंबर के बीच में विशेष करके आपको जो भी बॉडी के जॉइंट्स हैं, मसल्स वगैरह हैं, उन पे ध्यान देना होगा, लीवर का ध्यान रखना होगा, न्यूरो और डाइजेशन की बात है, ब्लड प्रेशर की बात है, थोड़ा सा मेमोरी जो है, यदि 60 वर्ष से ऊपर के तो मंगल पंचमेश है, मेमोरी कभी कभार प्रभावित होती है और भी स्वास्थ्य से जुड़े छोटे छोटे तनाव हो सकते हैं जिससे मेमोरी पे असर आता है।
20 अप्रैल से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में जो ग्रहण आएंगे, जैसे एक 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण है और 14 अक्टूबर को भी सूर्य ग्रहण है, इन ग्रहणों के कारण भी थोड़ा हार्ट बीट में फ्लक्चुएशंस आते हैं और थोड़ा सा जो हार्ट के पेशेंट है उनको इस समय में सावधानी रखनी होगी। बात कर लेते हैं नौकरी एवं व्यापार। नौकरी बेटर रहेगी विशेष करके, और वो भी गवर्नमेंट की नौकरी हो, आप जो है मंगल का क्षेत्र हो, फाइनेंस का क्षेत्र हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का क्षेत्र हो, देश विदेश में आप इकोनॉमिक्स से के हो, शिक्षक हो, आपके स्कूल कॉलेज चलते हों, इनमें जॉब करते हो, सरकारी टीचर हो आप, इन क्षेत्रों में थोड़ा शुभ रहेगा। परंतु आपको डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और कूलनेस रखनी जरूरी होगी। 20 अप्रैल से पहले आपकी उन्नति एवं परिवर्तन भी, शुभ परिवर्तन भी संभव होगा। गवर्नमेंट नौकरी में या गुरु से जुड़े जो नौकरियां हैं, आप वकील हों, नौकरी करते हों, या जज हों, या बैंक ऑफिसर हों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हों, इकोनॉमिक्स के अफेयर्स में हों, इसमें ये सब आपकी उन्नति इत्यादि के थोड़े से होंगे, लेकिन बाधाओं के साथ है। 1 अप्रैल से 7 जून, 25 जून से 8 जुलाई, 25 जुलाई से 18 अक्टूबर में उन्नति भी संभव है, परिवर्तन तो नहीं लेकिन उन्नति संभव है। 19 अक्टूबर से 8 नवंबर में नौकरी बदलने का योग है, यदि आप प्राइवेट जॉब इत्यादि में हैं या आप उच्चतम स्तर के अधिकारी हैं तो आपकी मिनिस्ट्री वगैरह बदलना, तो 19 अक्टूबर से 8 जून में नौकरी में परिवर्तन योग है। 8 जून से 24 जून, 9 से 24 जुलाई, 7 नवंबर से 27 नवंबर, इन समयों में विदेश में भी नौकरी के योग है, परंतु जॉब को थोड़ा खतरा भी रहेगा। और विदेश में 28 नवंबर से 28 दिसंबर में नौकरी परिवर्तन के बड़े संकेत आपको मिल रहे हैं। व्यापार की बात करें तो 1 जनवरी से 20 अप्रैल तक उत्तम समय रहेगा। इसमें कागज, कपड़ा, कंप्यूटर, ये चने की दाल, सोना, चांदी, पीतल, पीली वस्तुएं, फाइनेंस का व्यापार, और स्कूल आप चलाते हो, कॉलेज चलाते हो, बृहस्पति का पूरा क्षेत्र जो है, इंश्योरेंस की आपके पास एजेंसी हो, शनि का क्षेत्र है, ऐसे आप ठेकेदारों, लोहा, हार्डवेयर इत्यादि, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो, सभी में और ये शुभ समय रहेगा। परंतु मंगल और जो शुक्र का क्षेत्र है एग्रीकल्चर इत्यादि का है, समय साधारण रहेगा। जो ऊपर फील्ड बोले थे गुरु शनि का, उसमें उत्तम है। और मंगल शुरू का, मंगल और शुक्र का है मीडिया, एडवर्टाइजिंग, टीवी और बॉलीवुड और मीठी वस्तुएं, ब्रांडेड वस्तुएं, मंगल का फौज, पुलिस इत्यादि का है। परंतु यहाँ पे व्यापार की बात हो रही है तो ये आपका चिकित्सक हो गए, आप स्पोर्ट्स में हो गए, आपका अपना स्पोर्ट्स का काम है, फिजियोथेरेपी का है, दवाइयों का, केमिस्ट का है, तांबे का काम है, सभी में साधारण रहेगा। 20 अप्रैल से 15 जुलाई में व्यापार में बड़े परिवर्तन के संकेत हैं। इन्वेस्टमेंट जो है, आप गुरु, शनि, बुध और मंगल से जुड़े व्यापार में अत्यधिक सावधानी से करें, प्रबंधन के नियमों के अनुसार व्यापार करें। शेयर मार्केट, जुए में इत्यादि में हानि हो सकती है, विशेष करके एक्लिप्सिस जो 20 अप्रैल और 14 अक्टूबर के होंगे, तथा जो शेयर मार्केट इत्यादि में हानि का दूसरा समय जो है 24 सितंबर से 30 दिसंबर के बीच में है, जब विशेष करके जो मंगल, गुरु और शनि से जुड़े शेयर्स हैं, जैसे फार्मा के शेयर्स हैं या फाइनेंस कंपनियों के शेयर्स हैं या ट्रांसपोर्ट के, हैवी इंडस्ट्रीज के, इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर्स हैं, तो इसमें विशेष करके 30 अक्टूबर तक विशेष करके थोड़ा सा हानि का योग है। और 30 अक्टूबर तक की काफ़ी ज़्यादा तनाव आपको हो सकता है, व्यय हो सकता है, और व्यय के उपरांत, अच्छे व्यय के उपरांत, तनाव के उपरांत थोड़ी तरक्की अवश्य होगी, थोड़ी उन्नति अवश्य होगी, आप ये लगे आपको मैं धन जरूर कमा लूँगा। अगला क्षेत्र है धर्म, भाग्य और शिक्षा। शिक्षा की पहले बात करें, पूरे वर्ष सफलता का योग है, परंतु 1 जनवरी से 20 अप्रैल जो है इसमें ज़्यादा सफलता आपको मिलेगी।
20 अप्रैल से 30 दिसंबर में अधिक परिश्रम उपरांत सफलता आपको मिलेगी। विशेष करके गुरु मंगल और शनि के क्षेत्रों में यदि आपकी शिक्षा है, जैसे फाइनेंस हो, मैनेजमेंट हो, लॉ हो, इकोनॉमिक्स हो या अकाउंट्स का हो, मंगल में है, फौज की चिकित्सा का हो, MBBS हो, केमिकल इंजीनियरिंग हो और फार्मा का हो, फिजियोथेरेपी का हो, तांबे का व्यापार हो, बिजली की वस्तुओं का व्यापार हो, शनि का जैसे लोहा है, सीमेंट है, भूमि का है, बिल्डर्स हो और ठेकेदारी हो, इन सब में ज़्यादा मेहनत के उपरांत आपको फल मिलेगा। बुध और सूर्य के जो क्षेत्रों में सफलता बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि ये नवम और दशमेश है। बुध का कागज, कपड़ा, कंप्यूटर, प्लास्टिक्स, उच्च का आपका जो इनसे जुड़ी पढ़ाइयाँ, और सूर्य में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट में भी जो आपका मार्केटिंग इत्यादि हो और IAS इत्यादि की पढ़ाई करनी हो, सिविल सर्विस की पढ़ाई करनी हो, पॉलिटिकल साइंस इत्यादि, इनमें ज़्यादा सफलता आपको मिल पाएगी और मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, उपरांत सफलता मिलेगी। अब बात करें भाग्य की, भाग्य पूरे वर्ष आपको साथ देता रहेगा, केवल एक्लिप्सिस जो हैं 20 अप्रैल, 14 अक्टूबर और 28 अक्टूबर के एक्लिप्सिस के आसपास उसमें थोड़ा कम देगा। इसके अतिरिक्त 15 मार्च से 15 अप्रैल में, 15 जुलाई से 15 अगस्त में और 15 नवंबर से 15 दिसंबर, जब सूर्य चौथे, आठवें और बारहवें स्थान में चल रहे होंगे, उस समय भी थोड़ी सी कम सफलता मिलेगी। धर्म की बात करें तो 20 अप्रैल तक जो धर्म का क्षेत्र, संस्कार है, पूजा पाठ है, लोग आरती करते हैं, धूप दीपक जलाते हैं, इन सब में जो है आपका मन लगा रहेगा। 20 अप्रैल से 31 दिसंबर में जो दूसरा क्षेत्र है धर्म का, वो है योग, अध्यात्म, साधना, जिसमें ये संस्कार नहीं किए जाते, योग, अध्यात्म, साधना। कभी कभार मंत्रों को मिश्रित कर लेते हैं योग में, या कुंडली इत्यादि में जो इंटरेस्टेड रहते हैं उनके लिए जो है पीरियड अच्छा रहेगा, 20 अप्रैल से लेके और 1 दिसंबर तक। परंतु इसमें फोकस थोड़ा सा जो कम रहेगा 24 सितंबर से 31 दिसंबर के मध्य। अब बात कर लेते हैं प्रेम, विवाह और रिश्ते। कुछ समय मांगलिक प्रभाव के लिए विशेष है, वो है 15 फरवरी से 30 जून, 1 नवंबर से 28 दिसंबर। इसमें यदि कोई रिश्ते विवाह की बात हो रही है तो कुंडली मिलाना आवश्यक होगा। 20 अप्रैल से 31 दिसंबर में, विशेष करके 24 सितंबर से 31 दिसंबर में प्रेम संबंधों में थोड़ा धोखे का योग है, किंतु वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा लेकिन धोखे का कोई योग नहीं है, जीवन ठीक रहेगा। केवल आपको 9 जुलाई से 24 जुलाई में तथा 7 नवंबर से 27 नवंबर में थोड़ा सा तनाव रह सकता है स्वास्थ्य या धन कई कारणों से। बिजनेस में रिश्ते सावधानी से रखने होंगे उपरोक्त तारीखों में, पिता के साथ भी ऊपर जो तारीखें बताई हैं उनमें रिश्ते ठीक रखने होंगे। उपाय क्या करें, पन्ना, माणिक्य और पीला पुखराज पूरे वर्ष धारण कर सकते हैं। यदि आप मांगलिक हैं तो पन्ना, मूंगा और पीला पुखराज धारण कर सकते हैं, सूर्य के मंत्रों का जाप करें। गुरु, शनि और मंगल जो हैं इनके मंत्र, जैसे गुरु के ओम ग्राग्री ग्रोसा गुरु नमः, शनि के ओम प्राप्री प्रोसा शनि नमः, मंगल के जो ओम ग्राग्री ग्रोसा भवाय नमः, इनके मंत्रों का जाप करें। दान होगा गुरु का चने की दाल और पीतल, शनि का लोहा और थोड़ा सा काले उल्द और मंगल का तांबा एवं गुड़ या मसूर, इनका दान कर सकते हैं, ये दान अवश्य करेंगे। अब पूरे वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण और भी उपाय हैं जिनको आप आराम से कर सकते हैं, जो बड़ा अच्छा प्रभाव देंगे। हर बृहस्पतिवार को आप ये उपाय कर सकते हैं, क्या है, हरि पूजन करना, सायंकाल हरि पूजन करना, या पीपल को जल देते रहना, पीपल को पालना, नाभि पर केसर लगाना या केसर को खाना, गरुड़ पुराण का पूजन करना और घर की दीवारों पर संभव हो तो एक आधे रूम की जो उत्तर की दीवार है उसके ऊपर पीला रंग कर लेना। धन्यवाद, नमस्कार।